3.1 calculate the ratio of the electrostatic to the gravitational interaction forces between two electrons, between two protons. आपको दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है. फिर कह रहे हैं एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज q बाई m के किस वैल्यू के लिए ऑफ ए पार्टिकल वुड दिस फोर्सेस बिकम इक्वल इन देयर एब्सोल्यूट टर्म्स. किस q बाई m की किस वैल्यू के लिए, किस स्पेसिफिक चार्ज के लिए ये दोनों फोर्सेज बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन, इन केस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल. इन केस अगर दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, दोनों का क्यू और क्यू सेम है, दोनों का मास और मास सेम. ठीक है, तो मान लिया एक जनरल बात करते हैं. मान लिया एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है, जिसका चार्ज क्यू है, और उससे आर डिस्टेंस पे एक और चार्ज पार्टिकल है जिसका मास एम है, जिसका चार्ज क्यू है. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने जा रहे हैं एफ जी, तो हो जाएगा जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर. और हम निकालने जा रहे हैं इसका रेशियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो. तो वो आपका बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर. अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, इन दोनों केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो रिपल्शन का होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका होगा, अट्रैक्शन का. ये ऊपर वाला रिपल्शन का, नीचे वाला अट्रैक्शन का. तो ये आपकी वैल्यू आ गई. ठीक, अगर ये रेशियो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए सारी चीज़ें डाल देनी है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है क्यू, वो आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है. नेगेटिव नहीं डाल रहा हूँ मैं, नेगेटिव भी आप डाल सकते हो. नेगेटिव डालोगे तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव आएगा स्क्वायर करके, और फोर्स पॉजिटिव का मतलब होता है रिपल्शन का फोर्स है. चाहो तो आप नेगेटिव डाल सकते हो. ठीक है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ फॉर्मूलों से निकालना चाहिए, बाकी डायरेक्शन जो है वो कंसेप्ट से डिसाइड करनी चाहिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, किस तरह से. तो चार्ज की वैल्यू आप डाल दोगे, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁹ kg, और ये के की वैल्यू डाल दोगे आप 9 × 10⁻⁹, कैलकुलेशन है बस इसमें. और जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻¹⁹, ये जी की वैल्यू होती है. ठीक है, तो आप सारी वैल्यू डालोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेशियो निकल के आता है, अगर हम सिर्फ उसका ऑर्डर देखें तो वो अराउंड 10⁻³⁶ के ऑर्डर का निकल के आता है. और यही काम जब हम प्रोटॉन के लिए करेंगे तो प्रोटॉन में चार्ज के जी सब सेम रहेगा, बस ये वैल्यू बदलेगी. प्रोटॉन का जो मास होता है बस वही चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी. चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा उसके लिए बस. तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो आपका होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg. जब प्रोटॉन के लिए आप सॉल्व करोगे तो ये रेशियो अराउंड 10⁻42 आप खुद से सॉल्व करना है. इसमें मुझे क्लियर नहीं है कितना आने वाला है, लेकिन आप खुद से सॉल्व करना, दोनों रेशियो और आपको मिल जाएंगे. अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं. वो पूछते हैं क्यू बाई एम की किस वैल्यू के लिए दोनों फोर्स बराबर होंगे. अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये रेशियो 1 हो जाना चाहिए. अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो ये रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 1. यानी आपका जो के क्यू स्क्वायर है अपॉन जी एम स्क्वायर, ये वैल्यू हो जानी चाहिए 1. इसका मतलब क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए जी बाई के. तो क्यू बाई एम ही तो पूछा आपसे, किस स्पेसिफिक चार्ज के लिए, किस चार्ज अपॉन मास के रेशियो के लिए दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा अंडर रूट जी बाई के. जी की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, 6.67 × 10⁻¹⁹, और के कितना होता है, 9 × 10⁻¹⁹. इसको आप सॉल्व करोगे तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, सॉल्व खुद से करना है आपको, तो ये अराउंड 0.86 × 10⁻¹⁰ कूलाम पर केजी. इस
चार्ज और मास के रेशियो के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं।